अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर गो थ्रू कर लिया होगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने बूलियन फंक्शंस स्टार्ट किए थे, ठीक है। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स एंड में दी थी, ये तीन एग्जांपल्स, और मैंने ये कहा था कि आप इनके बूलियन फंक्शंस बनाइए, इनको इसके लॉजिक सर्किट्स बनाइएगा और इनके ट्रुथ टेबल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो लेट से मैं एक यहाँ पे फंक्शन जो है, ये जो F2 है, लेट से इसको मैं इसका लॉजिक सर्किट बना देता हूँ और उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। एंड सिमिलरली यू कैन डू एट योर ओन F1 एंड F3, ठीक है। सो लेट से हम यहाँ पे F2 जो है, विच इज़ x बार y बार z प्लस xz, ठीक है, इसकी मैं जो है वो सर्किट डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ पे करके आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। इसकी सर्किट डिज़ाइनिंग हम यहाँ पे करते हैं, फाइन। तो हमारे पास फंक्शन है x बार y बार z प्लस xz, ठीक है। तो मैं सबसे पहले x बार y बार z, सो लेट से आपको याद होगा मैंने डिफरेंट वर्जन्स आपको दिए थे कि आप कैसे कर सकते हैं। आप x बार y बार डायरेक्ट भी ज्यूम कर सकते हैं, x लेके उसका नॉट से x बार को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने पिछला लेक्चर प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। तो मैं अब इन शॉर्ट यहाँ पे F2 जो है, विच इज़ दिस वन, इसको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ और उसका ट्रुथ टेबल उसके बाद बनाऊँगा, ठीक है। सो सबसे पहले x बार है, तो इट मीन यू कैन टेक x और उसको नॉट कर लें, दिस इज x बार। सिमिलरली यू हैव y, उसको नॉट कर लें, यू गेट y बार। एंड द थर्ड इज z, ठीक है। तो इन तीनों को हमने क्या करना है, इन तीनों को एंड करना है, दिस इज दिस टर्म। देन द नेक्स्ट टर्म इज x इंटू z, एक टर्म x आ गई और दूसरी जो है दैट इज z, इनको एंड कर लें और उसके बाद ये दोनों टर्म्स को हमने क्या करना है, और करना है। सो दिस इज F2, ठीक है। सो दिस इज F2, फाइन। नाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर x, y एंड z एंड यू कैन सी इट्स आउटपुट, ठीक है। सो हमारे पास x है, y है और z है, तीन वेरिएबल वाला ये फंक्शन है और आउटपुट जो है दैट इज f। तो जब तीन वेरिएबल्स किसी सर्किट को हम अप्लाई कर रहे होंगे तो तीन वेरिएबल्स के साथ 2^3 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो हम एज इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है वो 8 कॉम्बिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं, तो लेट से 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो आप हर कॉम्बिनेशन सेपरेटली अप्लाई करें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप सबसे पहले x0 y0 और z0 अप्लाई करें एट द इनपुट और देखें कि फंक्शन की आउटपुट क्या होती है, ठीक है। सो लेट से x0 y0 और z0, ठीक है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ x है तो x 0 होगा और यहाँ z है और z इज 0, ठीक है। तो ये 0 से यहाँ नॉट होके 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, लेकिन ये ज़ाहिर है ये 0 ही रहेगा। तो ये एक 0 रहने की वजह से 0 × something यहाँ 0 आएगा, ठीक है। और ये x भी 0 z भी 0 तो 0 × 0 यहाँ भी 0 आएगा और 0 और भी 0, आउटपुट इज 0। तो इट मीन्स जो f है वो 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। देन यू कैन अप्लाई द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज 0 0 1, x 0 है, y 0 और z 1 है। x 0 है, y 0 है, z जो है वो 0 की बजाय क्या है, z इज 1, ठीक है। z क्या है, दैट इज 1।
सिमिलरली यहाँ पे भी z जो है वो क्या होगा, वो जीरो की बजाय दैट इज वन, तो यहाँ पे दिस इज वन, जी वन है। अब ये देख लें, ये जीरो से यहाँ वन हुआ, ये जीरो से यहाँ वन हुआ, और ये ऑलरेडी वन है जी, तो इसको तीनों इनपुट्स वन मिली, तो वन इंटू वन इंटू वन, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और गेट की एक इनपुट भी वन हो तो आउटपुट डेफिनेटली क्या होगी, वन होगी, आउटपुट डेफिनेटली क्या होगी, वन होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें वन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो बाकी कॉम्बिनेशंस हैं ये भी इस सर्किट की इनपुट पे अप्लाई करें, और इसी तरीके से, तो मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, बट यू अप्लाई रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन वन बाय वन, ठीक है, और उसके मुताबिक आउटपुट जो है उसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो लेट मी फिल दिस टेबल डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आपको भी मैं बाद में बता दूंगा कि किस तरीके से हम लिखते हैं। उसके लिए पहले हम मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फिर आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर कि आप बजाय इसके के सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई करके वर्कआउट करें। लेकिन अभी आपने इनिशियली हर कॉम्बिनेशन को सर्किट के इनपुट पे अप्लाई करके और ट्रेवर्स करके आउटपुट देखनी है, ठीक है। और यही एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो उसमें भी ये करते हैं कि वायर अप करते हैं पूरे सर्किट को, और फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन एज इनपुट अप्लाई करके हम आउटपुट हर कॉम्बिनेशन अगेंस्ट देखते हैं, ठीक है। बट एनीवे मैं टेबल जो है उसको डायरेक्टली फिल करने लगा हूं। तो ये आपको जो है ये इसका ट्रुथ टेबल मिलेगा, ठीक है। तो जो ये वाला फंक्शन है F2, ठीक है, दिस इज F2, ये उसका लॉजिक सर्किट आ गया। ये लास्ट टाइम मैंने तीन एग्जांपल्स दी थी आपको, और आपसे मैंने कहा था कि इनके लॉजिक सर्किट्स बनाइएगा और उनके ट्रुथ टेबल बनाइएगा। तो यहाँ पे ये जो F2 है इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, दिस लॉजिक सर्किट फॉर दिस एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल विच इज obtained from this logic circuit by applying every combination separately to this circuit, ठीक है, clear हो गया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप इसको अगर दूसरे तरीके से करते हैं just to verify this, ठीक है, although आप एक ही तरीके से करेंगे तो मैं वो भी यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ कि क्या variables हमारे पास, हमारे पास x variable है, y है और z है, अकॉर्डिंगली हमारे पास आठ कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1, फिर 0 0 एंड 1 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। फिर आपके पास आपको x बार चाहिए, y बार चाहिए, x बार के लिए आप एक कॉलम चाहिए, एक y बार के लिए चाहिए, तो x बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, जहाँ 0 है वहाँ 1 आ जाएगा और जहाँ 1 है वहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 1 1 1 1 0 0 0 0, और y बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, सो 0 0 1 1 जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए टर्म, हमें चाहिए x बार इंटू वाई बार इंटू जी, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए x बार y बार z, तो x बार ये आ जाएगी, y बार ये आ जाएगी और z ये आ जाएगी, इन तीनों को हमने ऐड करना है, तो दैट विल बी x बार y बार z, इन तीनों को ऐड करते हैं, 0 इंटू 1 इंटू 1 0 1 इंटू 1 इंटू 1, या 1 आ जाएगा, 0, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, 0, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, 0, 0। नेक्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए, xz, xz की हम टर्म बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज xz, दिस वन, तो ये x इंटू जी,
एक्स ये वाली है और जी इज दिस वन, इन दोनों को ऐड करना हमने, ठीक है। तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ अगेन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, दैन एक्स इंटू जी, वन इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन इंटू वन, वन इंटू वन इज़ वन, फिर यहाँ वन इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो और यहाँ वन इंटू वन, ठीक है, ये वन और ये भी वन है, तो वन इंटू वन इज़ वन, ठीक हो गया। और फाइनली हमने क्या करना है कि एफ इज़ वॉट, एफ टू, तो एफ टू हमारे पास क्या है, एफ टू इज़ जस्ट एक्स बार वाई बार जी विच इज़ दिस वन प्लस एक्स जी विच इज़ दिस वन, इन दोनों को औरिंग करनी है हमने, ठीक है। तो ज़ीरो और विथ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन और विथ ज़ीरो इज़ वन, ज़ीरो और विथ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो और विथ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो और विथ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो और विथ वन इज़ वन, ज़ीरो और विथ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो और विथ वन इज़ वन, सो वी गेट एफ टू इन दिस वे। तो अब देख लें कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं एक्स वाई जी की, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई जी इनपुट्स हैं और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो ये देख लें कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन 000 के लिए, 000 के लिए 0 एफ टू, यहाँ भी देख लें 0 है, फिर 001 के लिए ये 1 है, 001 के लिए ये 1 है, फिर 010 के लिए 0 है, तो 010 के लिए भी 0 है, फिर 011 के लिए, 011 के लिए 0, ये भी 0 है, 100 के लिए 0 है, 100 के अगेंस्ट आउटपुट 0 है, यहाँ भी 0 है, 101 के अगेंस्ट आउटपुट 1 है, 101 के अगेंस्ट आउटपुट 1 है, यहाँ भी 1 है, 110 पे 0 है विच इज दिस वन, और 111 के अगेंस्ट 1 है, और 111 के अगेंस्ट आउटपुट 1 है। सो इन दिस वे यू कैन सी के जो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, तो ये उसका लॉजिक सर्किट है और इसका ट्रुथ टेबल, अगर यू कैन यूज़ दिस वे और दिस वे, लेकिन मैंने कहा प्रेफरेबली आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सिमिलरली यू कैन गो थ्रू फॉर एफ थ्री एंड सिमिलरली एफ वन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें जो अभी तक मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी एग्जाम्पल्स, उनको आपने गो थ्रू कर लिया, ठीक है जी। अब आगे हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ और इनके आपने क्या करने हैं, इनके आपने बूलियन फंक्शंस जो हैं ड्रॉ करने हैं, लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने हैं। लेट से दिस इज अनदर एग्जाम्पल, और इसमें करना ये है कि मैं आपको दो फंक्शंस दूंगा, लेट से एफ वन इज एक्स बार वाई बार जी बार प्लस एक्स बार वाई बार जी एंड प्लस एक्स वाई जी, ये एक फंक्शन है, एक्स बार वाई बार जी बार प्लस एक्स बार वाई बार जी प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। और एक फंक्शन में आपको और देता हूँ, ठीक है, दैट इज लेट से अ सेपरेट फंक्शन एफ टू, एंड दैट इज एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। ये दो डिफरेंट फंक्शंस मैंने आपको दिए हैं, आपने करना ये है कि इन दोनों फंक्शंस की लॉजिक डायग्राम्स बनानी है, इनके ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं, और इन दोनों फंक्शंस के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलें लेट्स स्टार्ट, पहले हम एफ वन को इसका लॉजिक सर्किट बना लेते हैं, उसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो दिस इज़ एक्स बार वाई बार जी बार, ठीक है, इस वॉट एक्स बार वाई बार जी बार, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स बार वाई बार और जी बार, ठीक है।
देन एक्स बार वाई बार जी, एक्स बार वाई बार एंड जी, एंड फाइनली दिस इज एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, और उनको हमने क्या करना है, उनकी हमने ओरिंग करनी है। ठीक है, एंड दिस इज एफ वन। ठीक है जी, सो दिस इज एफ वन। इसका आप ट्रुथ टेबल भी बना लें। ठीक है, सो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए वी नीड, बिकॉज दिस फंक्शन इज हैविंग थ्री वेरिएबल्स, सो थ्री वेरिएबल्स आर एक्स वाई एंड जी, और उसके बाद आप इसका फंक्शन। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स हैं, तो कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो कौन से होंगे, ज़ीरो 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 ज़ीरो, वन 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 वन, ज़ीरो ज़ीरो, वन वन, ज़ीरो ज़ीरो, वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो, वन। ठीक है, अब आपने ये करना है कि हर कॉम्बिनेशन सेपरेटली अप्लाई करने हैं। ठीक है, आई होप ये आप अप्लाई कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस जब एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो रखूँगा तो एक्स ज़ीरो की वजह से एक्स बार वन हो जाएगा, वाई ज़ीरो की वजह से वाई बार भी यहाँ वन हो जाएगा, और जी ज़ीरो की वजह से जी बार भी यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पिछला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि एक्स वाई जी ज़ीरो 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 रखेंगे तो जब एक्स ज़ीरो होगा तो एक्स बार वन हो जाएगा, वाई ज़ीरो तो वाई बार भी वन हो जाएगा, जी ज़ीरो तो जी बार भी वन हो जाएगा। इसकी वजह से इस एंड गेट की आउटपुट जो है इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो वन हो जाएगी। यहाँ आप चेक कर लें, ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि एक्स ज़ीरो है तो एक्स बार वन, वाई ज़ीरो वाई बार वन, लेकिन जी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो, लेकिन एक भी इनपुट और गेट की वन है तो इसकी आउटपुट डेफिनेटली क्या होगी, दैट विल बी वन। तो मैं यहाँ कह देता हूँ इसकी आउटपुट जो है दैट विल बी वन। ठीक है, सिमिलरली जब आप ये ज़ीरो ज़ीरो वन कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब ये सेकंड कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो आप ये अप्लाई करें सारी इनपुट्स पे, ठीक है, x0, y0, z1, तो ये x0 की वजह से x बार 1 हो जाएगा, y0 की वजह से y बार 1 हो जाएगा, z1 की वजह से z बार 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन पे 001 पे x0 की वजह से x बार 1, y0 की वजह से y बार 1, ठीक है, और z1 की वजह से यहाँ चूँकि z है तो इस गेट की तीनों इनपुट्स वन हो जाएंगी, जिस वजह से यहाँ वन आएगा और गेट की एक भी इनपुट वन है तो उसकी आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी। तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन की वजह से जब अप्लाई करेंगे सर्किट में तब भी फंक्शन की आउटपुट वन आएगी। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर लें, ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देख लें तो आप देखेंगे ये तीनों एंड गेट्स की आउटपुट ज़ीरो होगी, तो हम कहेंगे जब तीनों आउटपुट ज़ीरो हैं तो और गेट की आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये अप्लाई करके देख लें, अप्लाई करके देखें आप। ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू दिस एट योर ओन। एक्स ज़ीरो वाई वन जी वन, ये जब अप्लाई करेंगे तो इस पे भी तीनों एंड गेट्स की आउटपुट ज़ीरो होगी, तो ये और गेट की आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। फाइनली आप जब चेक करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन के जब एक्स वन वाई वन जी वन होगा, एक्स वन वाई वन जी वन होगा, तो एक्स वन वाई वन जी वन, इसी वजह से इस एंड गेट की आउटपुट वन होगी। उस वक्त बेशक इनकी आउटपुट ज़ीरो होंगी, लेकिन इस और गेट की एक भी इनपुट वन होने की वजह से अगेन आउटपुट वन हो जाएगी। इट मीन इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जब x1, y1, z1 अप्लाई करेंगे इस सर्किट के ऊपर तो तब भी ये फंक्शन आउटपुट वन देगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस पे यू कैन चेक एट योर ओन, ये आउटपुट जो है वो ज़ीरो देगा। तो बेसिकली ये फंक्शन जो आपको गिवन है उसका ये लॉजिक सर्किट, इसमें तीन तीन इनपुट वाले एंड गेट्स हैं और एक तीन इनपुट वाला और गेट है, और ये बेसिकली इसका सर्किट होगा और ये इसका बिहेवियर होगा, इसका ट्रुथ टेबल होगा। ठीक हो गया, अच्छा।
अच्छा एक चीज़ मैं वैसे यहाँ एज अ साइड नोट बता दूँ कि जो थ्री इनपुट वाला एंड गेट है, आपने अगर लैब में आपको कराया गया कि टू इनपुट वाले एंड गेट्स हैं, तो आप थ्री इनपुट वाला जो है अगर एक्स वाई और जी को एंड करना है, तो दो टू इनपुट वाले एंड गेट यूज़ करते हुए आप एक थ्री इनपुट वाला एंड गेट का बिहेवियर ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड, आपने जब थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो अगर थ्री इनपुट्स हैं तो आप डायरेक्ट थ्री इनपुट वाला एंड गेट यूज़ करेंगे, इस तरीके से आप नहीं शो करेंगे, ठीक है। ऑल दो लैब में अगर आपको टू इनपुट वाले एंड गेट बताए गए हैं, तो उस पर थ्री इनपुट्स को जब एंड करना है, तो यू कैन यूज़ टू टू इनपुट एंड गेट्स टू गेट दिस, बट आपने थ्रेटिकली तीन इनपुट्स वाले हैं तो डायरेक्टली इसको इस तरह से शो करना है, प्लीज़ कीप इन माइंड दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा अब लेट से हम इसको देखते हैं F2, ठीक है। ये F2 को हम सबसे पहले तो इसका लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। दिस इज एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। तो एक्स बार वाई बार की अगर हम बात करें, तो दिस इज एक्स बार, दिस इज वाई बार, एंड करेंगे तो ये एक्स बार वाई बार मिल जाएगा। दूसरी टर्म जो हमारे पास है, दिस इज एक्स वाई इंटू जी, दिस इज एक्स वाई एंड जी, और उनको एंड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। और उनको हमने क्या करना है, सिंपली उनको और करना है, तो दिस इज F2, ठीक है, दिस इज F2। अच्छा अब हम इसका भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव डिफरेंट इनपुट्स ऑफ एक्स वाई एंड जी, सो ये हमारे पास थ्री वेरिएबल वाला फंक्शन है। ऑल दो इसमें ये वाले जो टर्म है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, जी इज मिसिंग, बट ओवरऑल द फंक्शन इज हैविंग थ्री वेरिएबल्स, एक्स वाई एंड जी, सो एक्स वाई और जी, और ये हमारा F2 आ जाएगा, ठीक है। अब तीन वेरिएबल्स हैं, ये सर्किट है, इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो अगेन आप सबसे पहले तो आठ कॉम्बिनेशन लिख लें, 0 0 0 0, देन 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इस सर्किट की इनपुट पे अप्लाई करें और अकॉर्डिंगली आउटपुट देखते जाएं, ठीक है। लेट्स से हम पहला कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, जब x0 y0 और g0 है, तो x0 और y0 और g0, तो जहाँ x0 है तो x बार क्या हो जाएगा, x बार 1 हो जाएगा, y0 है तो y बार क्या हो जाएगा, y बार भी 1 हो जाएगा, ठीक है। g0 है तो यहाँ g0 आ जाएगा, लेकिन x और y भी क्या है, यहाँ 0 0, x0 है और y भी 0 है। तो ये देखें, इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 हैं, तो इसकी आउटपुट तो 1 हो जाएगी, लेकिन इसकी इनपुट 0 है तो 0, तो 1 और भी 0, यहाँ आउटपुट हमें 1 मिल जाएगी। इट मीन्स इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें इस F2 की आउटपुट 1 मिल जाएगी। Let's see the second combination. See this second combination 0 0 1, where x0 y0 g is 1. x0 mean x bar 1, y0 mean y bar is also 1, and g is 1. g yahan hai, yahan 1 karte hain ab g ko, theek hai, lekin x0 aur y0, to x0 hai, y0 hai, g1 hai, theek hai. To ab dekh lein इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 0 1 के लिए, फिर x0 y0 g1, x0 की वजह से एक्स बार 1 हो गया, y0 की वजह से वाई बार 1 हो गया, तो इस गेट की आउटपुट अभी भी 1 है, इसकी दोनों इनपुट्स 1 है, और दो इनपुट्स एक्स और वाई से आ रही हैं, जी से नहीं आ रही, और एक्स प्राइम होके आ रही है और वाई भी नॉट होके आ रही है। तो जब एक्स और वाई 0 0 है, तो ये नॉट होके दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो इस गेट की आउटपुट अभी भी 1 होगी। ऑल्दो इसकी आउटपुट 0 होगी, लेकिन और गेट की एक भी इनपुट 1 है, तो आउटपुट स्टिल 1, सो इस पे भी 1 आएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फिर आप बाकी कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देख लें, आप चेक कर लें, ये कॉम्बिनेशन जब अप्लाई करेंगे इस सर्किट में, तो ये आउटपुट हमें 0 देगा। ये कॉम्बिनेशन आप इनपुट पे अप्लाई करके देख लें, आउटपुट 0 मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करके इनपुट पे देख लें, आउटपुट 0 मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन इस सर्किट पे अप्लाई करके देख लें, आउटपुट 0 मिलेगी। इस पे भी 0 मिलेगी। फाइनली लेट से आई शो दिस अगेन 1 1 1, ठीक है। ये 1 1 1 कॉम्बिनेशन में अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको,
ठीक है, और लेट मी शो यू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 1, उसमें एक्स वन है, वाई वन, जी वन है। तो एक्स वन है तो एक्स बार तो जीरो हो जाएगा, वाई वन है तो वाई बार भी जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू जीरो ये तो हो जाएगा जीरो, और एक्स वन वाई वन जी वन। तो यहाँ एक्स वन है, वाई भी वन है और जी भी वन है, ये तीनों इनपुट चूँकि वन है तो इसका मतलब वन इंटू वन इंटू वन, यहाँ वन आएगा आउटपुट पे। और इस और गेट की एक भी इनपुट वन है, विच इज़ दिस वन, तो एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट विल बी वन। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें आउटपुट वन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये इस ये जो फंक्शन ये दिया हुआ है एफ टू, उसका हमने ये लॉजिक सर्किट बनाया और उससे हमने ये ट्रुथ टेबल बना लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी गो वुड वी विल डू इवेंचुअली, ये क्वेश्चन ये दिया गया था कि आपको एक फंक्शन एफ वन दिया हुआ था विच इज़ दिस वन, एक फंक्शन एफ टू दिया हुआ था विच इज़ दिस वन, और आपसे कहा गया था कि इन दोनों के लॉजिक सर्किट बनाएं, एफ वन का लॉजिक सर्किट दिस वन, एफ टू का लॉजिक सर्किट दिस वन, और फिर उनके ट्रुथ टेबल्स बनाएं, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एफ वन एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एफ टू। अब अगर हम इन ट्रुथ टेबल्स को कंपेयर करें इन दोनों फंक्शंस के जो अपेरेंटली डिफरेंट हैं, एफ वन इज दिस एंड एफ टू इज दिस, फर्दर इनके लॉजिक सर्किट्स भी डिफरेंट हैं, यहाँ तीन तीन इनपुट्स वाले एंड गेट और एक तीन इनपुट वाला और गेट यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे एक तीन इनपुट वाला एंड गेट और एक दो इनपुट वाला एंड गेट, और आउटपुट पे दो इनपुट वाला और गेट यूज किया हुआ है। तो दिस विल टेक लेस स्पेस, ठीक है, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और लेसर स्पेस लेगा, ठीक है, जबकि इट विल टेक मोर स्पेस एंड मोर नंबर ऑफ गेट्स। लेकिन अगर आप गौर करें इनके ट्रुथ टेबल्स के ऊपर तो दोनों के बिहेवियर्स एग्जैक्टली सेम है। लुक एट दिस, जिन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी के लिए एफ वन इज़ वन, वो है एक जीरो 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 अगेंस्ट वन है, जीरो जीरो वन के अगेंस्ट वन है, और 1 1 1 के अगेंस्ट 1 है फंक्शन की वैल्यू, और बाकी सारों के अगेंस्ट, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो हैं उनके अगेंस्ट जो आउटपुट है एफ वन की वो 0 है। यू कैन सी द सेम बिहेवियर फॉर दिस फंक्शन हुज लॉजिक डायग्राम इज दिस एंड हुज ट्रुथ टेबल इज दिस, एंड यू कैन सी के 0 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 0 1 और 1 1 1, इनके लिए आउटपुट जो है वो 1 है, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो हैं उनके अगेंस्ट दिस इज गोइंग टू गिव यू आउटपुट 0। तो ये दोनों ट्रुथ टेबल एक्जैक्टली सेम है, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि एफ वन इज आइडेंटिकल टू एफ टू, एफ वन इज सेम एज एफ टू, F1 is equivalent to F2। ये दोनों जो functions हैं F1 और F2, ये दोनों इन दोनों का behavior exactly same है, इसका मतलब ये दोनों equivalent functions हैं क्योंकि इनके जो truth tables हैं वो exactly same हैं। लेकिन obviously अगर आपको नज़र आ रहा है तो F टू रिक्वायर्स लेसर स्पेस टू इम्प्लीमेंट, लेसर नंबर ऑफ गेट्स टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू एफ वन। सो इसका मतलब है कि अगर दोनों सेम बिहेवियर दे रहे हैं तो आई शुड प्रेफर दिस इम्प्लीमेंटेशन एफ टू की, विच इज गिविंग द सेम बिहेवियर एज एफ वन। तो मैं ये सर्किट डिजाइन कर दूं या ये कर दूं, दोनों मुझे सेम बिहेवियर दे रहे हैं, तो आई शुड प्रेफरेबली यूज दिस व्यू और दिस प्रेजेंटेशन और दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन टू गेट द सेम बिहेवियर एज दिस वन। तो मैं आगे चल के अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कहाँ से आ गया, ये कैसे डिजाइन करना है। तो इनफैक्ट मैं यहाँ एक हिंट देता हूँ और वो ये है कि एफ टू जो फंक्शन है that is simplified form of, that is simplified form of f1, please note this thing, f2 jo hai, this one f2 is simplified form of f1,
एफ टू इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफ वन। ये कैसे सिंप्लीफाई हुई ये हम चैप्टर थ्री में डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। वी विल सी अगर कोई फंक्शन हमें दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट फंक्शन यूजिंग सम टेक्निक्स। थोड़ा सा मैं आइडिया यहाँ भी दे देता हूँ अभी, लेकिन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर ऑन। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट जो आपने ड्रॉ करना है यहाँ से वो ये है कि मैं अभी ये कह रहा हूँ, बिलीव इट राइट नाउ ऑल्दो आई हैव नॉट प्रूवन इट, के एफ टू जो है दैट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफ वन। और सिंप्लीफिकेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, हम कुछ बुलियन थेरम्स और लॉस यूज करते हुए भी हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर के मैप की एक टेक्निक आएगी हम देखेंगे, उसको यूज़ करते हुए भी हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक टैबुलेशन मेथड है, हम उसको यूज़ करते हुए भी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से ये है कि सिंप्लीफाइड फंक्शन, अगर किसी फंक्शन को कोई गिवन फंक्शन है और उसको हम सिंप्लीफाई कर लें यूजिंग सम टेक्निक्स, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का जो सर्किट होगा जाहिर है वो लेसर नंबर ऑफ गेट्स यूज कर रहा होगा और लेसर स्पेस में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट सिंस दिस सिंप्लीफाइड फंक्शन इट गिव्स द सेम ट्रुथ टेबल और सेम बिहेवियर एज इट्स अनसिंप्लीफाइड फॉर्म और अनसिंप्लीफाइड फंक्शन विच रिक्वायर्स लार्जर गेट्स टू इम्प्लीमेंट एंड लार्जर स्पेस टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, आपने ब्रेडबोर्ड पर अगर इम्प्लीमेंट करके देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि obviously it requires larger number of wiring and space and larger number of gates, लेकिन दोनों का behavior exactly same है। जो f1 का behavior है वही f2 का behavior है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमने जो conclusion draw किया वो ये है कि जब simplified functions वही behavior देते हैं जो उसका एक unsimplified function दे रहा है, तो we always prefer to implement a simplified form ऑफ सम फंक्शन। ये सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स हम लेटर ऑन देखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वी विल सी फुल चैप्टर टू गो थ्रू द सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। इसका मतलब है कि डिजिटल डिज़ाइनर को, जो सर्किट डिज़ाइनर है उसको सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स का पता होना चाहिए, और वो जब भी कोई फंक्शन ड्रॉ करने लगे, उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, उसका सर्किट डिज़ाइन करने लगे किसी भी फंक्शन का, तो पहले वो ट्राई करे, कोई सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यूज़ करे और देखे कि क्या वो जो गिवन फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करे और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म को इम्प्लीमेंट करे, यानी एंड और गेट से इम्प्लीमेंट करे, डिज़ाइन करे। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको बिहेवियर वही मिलेगा जो अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में था, लेकिन फ़ायदा इसका यह है कि इसमें लेसर नंबर ऑफ गेट्स यूज होंगे और ज़ाहिर है स्पेस भी लेस होगी। तो दिस इज़ द एडवांटेज। सो इट मींस प्लीज़ कीप इन माइंड, लेटर ऑन हम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ ये जेन में रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स जब किसी फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका बिहेवियर वही होगा जो उसकी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म का होगा। अभी ये कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये अभी मैंने बनाया, मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि शुरू में उन्होंने बताया था कि ये एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये फंक्शन लिखे कैसे जाते हैं, फंक्शन आए कहाँ से। अभी तो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया F1, एक फंक्शन दे दिया F2, और मैंने कहा इसको ज़रा इंप्लीमेंट करें, इसका टेबल बनाएं, इसको इंप्लीमेंट करें, इसका टेबल बनाएं, और वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि दोनों के बिहेवियर सेम है। इसका मतलब मैंने कह दिया कि F1 इज़ आइडेंटिकल टू F2 और F1 इज़ इक्विवेलेंट टू F2। ठीक है, तो और वहाँ से ये भी बता दिया कि सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है उसका बिहेवियर वही होगा जो अनसिंप्लीफाइड फॉर्म का है। ठीक है, इट मीन्स हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि हम किसी फंक्शन का सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अभी मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑल दो लेटर ऑन मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि ये कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, वो ये है कि लेट से ये एक्स बार वाई बार जी बार है और प्लस एक्स बार वाई बार जी है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आगे करके दिखा दूँ F1 को, दैट इज़ इक्वल टू एक्स बार वाई बार जी बार और ये एक्स बार वाई बार जी, तो इन दोनों में एक्स बार और वाई बार कॉमन है। ठीक है, और इधर से बचा जी बार
और प्लस इधर से बचा जी, ठीक है, और प्लस ये एक्स वाई जी जो है ये ऐसा सच है। अच्छा मैं आगे चल के आपको कुछ जो थ्योरम्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा जो पर्टिकुलरली बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होते हैं, उनमें से एक दो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और वो फॉर इंस्टेंस ये हैं कि एनी वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये पर्टिकुलरली ये दीज आर फॉर द बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, वेयर द वेरिएबल्स आर हैविंग ओनली बाइनरी वैल्यू जीरो और वन, तो फॉर दैट एनी वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दैट ऑलवेज गिव यू आंसर वन। आप इसको बड़ा आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि इफ़ एक्स इज जीरो तो एक्स बार विल बी वन, तो जीरो प्लस वन इज वन, और अगर एक्स वन है तो एक्स बार जीरो होगा, तो वन प्लस जीरो इज स्टिल वन, ठीक है। सिमिलरली एनी वेरिएबल डॉट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स को एक्स बार के साथ करेंगे तो अगर एक्स वन है तो एक्स बार जीरो होगा, तो वन इंटू जीरो जीरो होगा, और अगर ये जीरो है तो ये वन होगा, तो जीरो इंटू वन अगेन जीरो होगा, तो ठीक है एक्स प्लस एक्स बार वन होगा और एक्स डॉट एक्स बार। अभी ये दो जेन में रखे हैं, आगे चल के हम और ठीक है कुछ रूल्स और कुछ थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। अगर इसको जेन में रखें इट मीन्स एनी वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज ऑलवेज वन, ठीक है, तो यहाँ जी बार प्लस जी दैट विल गिव यू आंसर वन, ठीक है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज वन, सो दिस इज एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार और प्लस ये एक्स वाई जी, तो ये वही चीज़ आ गई विच वॉज एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई जी, आई मीन दिस इज सेम एज एफ टू। तो मैंने थोड़ी सी इस फंक्शन पे मैनिपुलेशन करके और एक आध ये रूल यूज़ करते हुए आपको दिखा दिया कि जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी विच इज़ एफ टू। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स हैं इनको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, और जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, ठीक है, वो ये कि कोई फंक्शन अगर उसको हम सिंप्लीफाई कर लें किस तरीके से और उसे सिंप्लीफाइड वर्जन को इम्प्लीमेंट करें, डिज़ाइन करें यूजिंग हैंड और गेट्स, तो उसका बिहेवियर वही होता है जो उसके अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म का होता है। तो इसलिए हम हमेशा प्रेफर किया करेंगे किसी फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लेटर ऑन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। अभी तो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और थोड़े से जो अलजेब्रिक लॉज हैं उनको यूज़ करते हुए मैंने ये दिखा दिया कि एफ वन इज सेम एज एफ टू, लेकिन ज़ाहिर है फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो फिर हम लेटर ऑन इसकी टेक्निक्स को सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स को फॉर्मली भी देखेंगे। आई होप टूडेज लेक्चर इज क्लियर। मैं यहाँ पे चीज़ों को स्टॉप करने लगा हूँ। थैंक यू वेरी मच।